गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. आई होप आई एम प्रॉपरली ऑडिबल एंड द स्क्रीन आई हैव नॉट प्रेजेंटेड येट. आई विल जस्ट प्रेजेंट, बट बिफोर दैट जस्ट पुट इन चैट बॉक्स वेदर आई एम ऑडिबल एंड दैट टू. ओके ओके गुड. नाउ जस्ट सी वेदर माय स्क्रीन इज विजिबल. विल शेयर माय स्क्रीन. Are you able to see it properly? Astronomy and basics of sky observation, Astro 2 L42, Astro 3 L2. Is it visible? Okay, good. So we'll start today's lecture. Today's lecture, what all things we'll be covering, I'll be just putting it here. Okay, thank you. In case any problem, Avirat, you can start your mic and just let me know. Normally, session is defined for 45 minutes. We don't cross that. In case sometime we cross that, because of the covering of syllabus expected. Okay. This is that everything is from internet. Now, last time, just recap is, we are here to study about constellations, nakshatras, latecomers will trouble us. Just give me a second. Yes, sir. ठीक है. So, constellations, nakshatras, and sun signs, notable stars, meteor shower, galaxies, dwarf galaxies, all those things will be covered. It is going to take a lot of time. So already we have gone through 42 lectures, but not much has been covered. So now we may be continuing for another 40-50 hours. So today I'm directly thinking of going into one important constellation called Scorpius, Scorpio, Scorpion, Vrishik, जिसको हिंदी मराठी में बोला जाता है. तो अंकनी यानी नॉर्मा नाम का एक कॉन्स्टिलेशन है. मे बी हम नेक्स्ट टाइम उसको कवर करेंगे. वैसे ही नीचे भी कुछ जनरल टॉपिक्स है, जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप हो या पार्कर सोलार प्रोब हो या सोलार वीनस. कब से हम इंसानी सभ्यता उसको पढ़ रहे हैं, या फिर कोई स्टूडेंट कुछ पर्टिकुलर कॉन्स्टिलेशन प्रेजेंट करना चाहते हैं. So first thing we go into a constellation. Last time also we have seen this particular view, that arm of the Milky Way galaxy and ionic vrutta, matlab kya hai ecliptic. Ecliptic ke aspas mein hi aapke ye sun sign wale Scorpius aur Sagittarius hai. Usme se aaj hum padhenge Scorpius yani vrishchik rashi ke bare mein, but pehle padhenge sky mein humne ab tak jo cover kiya और उसको थोड़ा बड़ा करके इसलिए देख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज कहाँ. यहाँ आप देख सकते हो कि ये एक मैंने स्काई मैप का फोटो निकाला है नाइट मोड में, मतलब सॉफ्टवेयर का, जो तकरीबन दिसंबर के पहला हफ्ता है. अभी दिसंबर के पहले हफ्ते में ये वेस्ट डायरेक्शन है. आप देख सकते हो यहाँ पे W लिखा हुआ नीचे की तरफ. एक मिनट, ज्यादा ही प्रॉब्लम. ये है भाई साहब W, तो ये वेस्ट डायरेक्शन है और इस वेस्ट डायरेक्शन को अभी मैं मूव कर रहा हूं ताकि सन के आसपास आप देख सकते हो स्कॉर्पियन कॉन्स्टेलेशन, स्कॉर्पियस कॉन्स्टेलेशन है दिसंबर के फर्स्ट वीक. ऊपर की तरफ आपको लेके जा रहा हूं ताकि आपको समझो. ऊपर आपको सैगिटेरियस दिख रहा है, सैगिटेरियस दिख रहा है अपेक्षा नहीं दिख रहा है तो मैं गोला मार. ये सैगिटेरियस. अभी मैं और नीचे आता, अब ऊपर जाओगे तो दिखेगा ये है कैप्रिकॉन. ओके, इस तरीके से आप देखेंगे कि ये आगे आगे जा रहा है तो हम इस इक्लिप्टिक के पाथ पे मूव हो रहे हैं. ओके, यहाँ जाएंगे तो ये है पाइसिस. अभी मैं इस व्यू को कर देता हूँ छोटा, तो आप देखोगे कि एक स्पेसिफिक पाथ यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो है कुछ इस तरीके से. ये जो पाथ है इसी पे सन मूव होता है, मून होता है, प्लैनेट मूव करते हैं, और यही पाथ जहाँ पे है उस पाथ में जो कॉन्स्टिलेशन आते हैं उसे किसी सभ्यता ने सनसाइन के नाम से
और हमारी भारतीय सभ्यता ने इसे नक्षत्रास बोल दिया। आज हम जिस स्कॉर्पियस को देखेंगे उसके बहुत सारे व्यूज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कब वो कहाँ होता है, तो उस हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि आज की उसकी कंडीशन क्या है। तो नाउ हम चलते हैं ऊपर, ये दूसरा स्काई है, यहाँ पे तारीख है 25/12/2021। अब यहाँ पे आपको बिल्कुल ही स्कॉर्पियस दिखेगा, कहीं भी नहीं, क्योंकि इस समय जो आसमान प्रेजेंट है शाम के 7 बजे उसमें ये स्कॉर्पियन एग्जिस्ट नहीं करता। सो वी गो टू द नेक्स्ट स्काई, ये भी है कुछ जो है 5/1 मतलब जनवरी, जस्ट हम जनवरी में एंट्री कर रहे हैं, और ये भी शाम के 7 बजे का है, ऑब्वियस इसमें भी वो नहीं। नेक्स्ट 8 तारीख का शाम का 7 बजे का, आपकी जानकारी के लिए, यहाँ भी वो नहीं। ओके, तो अभी का है कहाँ, वो है कहाँ इसका चित्र यहाँ, ये है 5 जनवरी का, बट अभी शाम के 7 बजे का नहीं है, ये सुबह के 5 बजे, और ये वेस्ट डिरेक्शन है, इसको छोटा कर रहा हूँ, आप देखोगे ये ईस्ट डायरेक्शन है, और ईस्ट में ये स्कॉर्पियन के फैंग्स अभी जस्ट राइज हो रहे हैं। कितने बजे, सुबह 5 बजे, 5 तारीख को, धीरे धीरे थोड़ा जल्दी आना शुरू हो जाता है, 4 मिनट जल्दी आता है। अगर आज हम लोग 12 तारीख पे हैं तो उस हिसाब से एक अप्रोक्सीमेटली 7/24, मतलब आधा घंटा पहले यहाँ पे वो पहुंचा होगा। ओके, तो मतलब तकरीबन 4:30 बजे सुबह। तो ये हिसाब मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि ये कॉन्स्टिलेशन आज की डेट पे सुबह ही देखने मिलता है, और जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे तो ज्यादा जल्दी वो दिखने शुरू हो जाए। ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम एग्जैक्टली क्या देख रहे हैं, वो कब दिखेगी। तो यहाँ पे मैंने ये जो स्काई है ये कब कौन से पीरियड का है वो दिखा, 15 सितंबर के आसपास शाम को 7:30 बजे स्काई में स्कॉर्पियन कहाँ है, ये आपको इस चित्र में दिखा देता हूँ कि ये तकरीबन यहाँ पे है। अभी मैं इसको जूम कर देता हूँ, आपको दिखेगा कि यस स्कॉर्पियन यहाँ है, ऑलमोस्ट इस आधे हेमिस्फीयर के, ऑलमोस्ट क्रॉसिंग द हाफ वेस्ट की तरफ जा रहा है, मतलब 7-7:30 बजे के आसपास वो सेंट्रल लाइन ऑलमोस्ट क्रॉस कर देता है। तो ये स्कॉर्पियन है, स्कॉर्पियस जो है, आप देख सकते हो कि बाकी के कंपैरिजन में, यहाँ कंपैरिजन के लिए आपको स्केल मिलेगा कि देखिए इसके अंदर एटलीस्ट 3-4 तारे ऐसे हैं कि जो कंपेरेबल द ब्राइटेस्ट स्टार्स स्टार्स के आसपास है। जैसे अभी मैं इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे नीचे की तरफ वीनस दिख रहा है, यहाँ यहाँ अर्क्टूरस यानी वीनस प्लैनेट है, यानी शुक्र नाम का ग्रह, अर्क्टूरस मतलब सौती नाम का तारा, वेगा मतलब अभिजीत नाम का तारा, अल्टेर मतलब श्रवण नाम का तारा, ये मून भाई साहब को भूल जाओ, वो थोड़ा करीब है तो वो ज्यादा ही बड़ा दिखता है। थोड़ा ऊपर की तरफ आते हैं तो और प्लैनेट दिख रहे, सैटर्न जुपिटर, बट सैटर्न जुपिटर को मैं क्रॉस कर रहा हूँ और इनको भी क्रॉस कर रहा हूँ, वीनस को भी। ओके, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी मुझे बताइए, मून को भी भूल जाइए, मून को भी क्रॉस कर देते हैं, अभी आप मुझे बताइए कि सचमुच वेगा अल्टेर अर्क्टूरस से कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं यह एंटेरस जो है ज्येष्ठा, ये सीन में आता ही, बताने की बात यह है कि ये वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टारों के लिस्ट में आने वाला एक इम्पोर्टेंट तारा है। आप बोलोगे कितना ब्राइट है, तो देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट तारा है रात के आसमान का, इसे डेनेब बोला जाता है, उसके कंपैरिजन में आपको जरूर दिखेगा कि वो वहां पे एग्जिस्ट करता है, उसके कंपैरिजन में वो ब्राइट है। ये सारी चीजें मैंने सिर्फ इसलिए बताई कि स्कॉर्पियस देखते आ रहे हैं, एंड इट इज वेल नोन कॉन्स्टिलेशन इन ऑलमोस्ट ऑल द सिविलाइजेशन। आज उसके बारे में पढ़ते वक्त पहले जानकारी लेनी होगी हमें एक इम्पोर्टेंट चीज की, जिसका नाम है नक्षत्र लोक। तो नक्षत्र लोक तो शुरू होते हैं
एरीज यानी मेष राशि अंदर जो दो नक्षत्र राज है, बेसिकली अश्विनी से शुरू होता है, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल। पिछले तीन जो मैं बोला उनको मैं रिपीट कर, अनुराधा, ज्येष्ठा और मूल, ये वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियस कॉन्स्टिलेशन के अंदर के तीन नक्षत्र है, जबकि एग्जैक्टली उल्टी सिचुएशन है कि इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिलेशन या सन साइन में सूरज बहुत ही कम देर के लिए रहता है, एंड दैट इज वेयर एग्जैक्टली जो सो कॉल्ड सन साइन वाले लोग हैं उनका प्रेडिक्शन, और यहाँ जो हम बात कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक कॉन्स्टिलेशन, सन का स्पेसिफिक कॉन्स्टिलेशन, वो बहुत ही विपरीत है, नॉट एट ऑल मैचिंग। इसके एक्सप्लेनेशन में हमको बेवजह जाना नहीं है। ये तीन नक्षत्र जो यहाँ है उनसे जुड़े तारों का हम आज अध्ययन करेंगे। गोइंग फर्दर, मूल नक्षत्र के बाद धनु राशि में जो आता है पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा है, श्रवण है, अल्टेर, धनिष्ठा है, शततार का, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा एंड रेवती जो मीन राशि है। तो ये नक्षत्र लोगों का आइडिया होना चाहिए, 27 नक्षत्र जो टाइम कीपिंग का लिस्ट काउंट ऑफ मोस्ट ऑफ द सिविलाइजेशन के उच्चांक पे है, मतलब जो कम से कम हिसाब लगाया जा सकता है पर्टिकुलर टाइम कीपिंग का ऑन इक्लिप्टिक, उसका रिप्रेजेंटेटिव ये नक्षत्र लोग है जो हमारे सभ्यता की देन है दुनिया। इसमें राशि भविष्य वाला कोई फालतू टॉपिक नहीं है, यहाँ पे टाइम कीपिंग की हम बात कर रहे हैं, वो नक्षत्र से जुड़ा हुआ है और अच्छे से जुड़ा हुआ है। जैसे जब मृग नक्षत्र मतलब मृग शीर्ष के आसपास 7 जून को सूरज आता है तो हमारे यहाँ बारिश होती है कोंकण प्रांत में, तो ये दिस इज वेल नोन फैक्ट, और ये हिसाब किताब काफी पहले से ऑलमोस्ट मैचिंग मौजूद करता है। तो अभी चलेंगे हम लोग स्कॉर्पियस कॉन्स्टिलेशन में, और इस कॉन्स्टिलेशन के बारे में एक्चुअल फोटोग्राफ जो स्काई के होते हैं जो इंटरनेट पे अवेलेबल है वो मैंने यहाँ दिखाए हैं, आप देख भी पा रहे होंगे, तो उसको थोड़ा जूम कर देता हूँ कि यहाँ इस इतने फिबल में भी एंटेरस जो यहाँ है वो अच्छे से आपको दिख रहा है। तो पहले जान लेते हैं थोड़ी स्कॉर्पियस के बारे में जानकारी। इट इज अमंग द मोस्ट डिस्टिंक्टिव कॉन्स्टिलेशन द जोडियक विथ अ लिटिल इमेजिनेशन। अब कभी भी जब वो आसमान में अच्छे से है, जैसे हमने देखा कि सितंबर में 7:30-8 बजे से ही बढ़िया से दिखता है वो, तो अगर आपको कोई शेप इजीली आसमान में स्ट्रेस करना है तो स्कॉर्पियन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, लियो एक इंटरेस्टिंग चीज है, सप्तर्षि है, ओरायन है, तो उनमें से स्कॉर्पियस एक फेमस कॉन्स्टिलेशन है। इसका जो एक ब्रिलियंट रेड स्टार है जिसको हमने एंटेरस एंटेरस में बहुत बार बोला, वो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप इमेजिन करो स्कॉर्पियो को तो उसके दिल की जगह पे ऑलमोस्ट है, दैट इज हार्ट। तो कॉन्स्टिलेशन का शेप थोड़ा लेटर जे जैसा भी दिखता है, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली आपको ये चित्र दिखाया है। इसका इस स्कॉर्पियो की बात करें तो उसका जो कर्व टेल है वो जे की तरह दिखता है, और उसमें एक स्टिंजर भी है, स्टिंजर मतलब क्या, बाइट करने वाला पॉइंट, वो कौन है, वो दो स्टार है बेसिकली, शॉला एंड लेसी, लेसीट लेसात दोनों भी बोलते हैं उसको। इसको ग्रीक एस्ट्रोनॉमर टॉलेमी ने 2nd सेंचुरी में ही कैटलॉग किया गया था। ओके, इसका प्रीडेट्स अनुमान जो है या जानकारी जो है वो ग्रीक या वेल नोन पुराने सिविलाइजेशन से भी ज्यादा पुराना। सुमेरियन पॉपुलेशन या सिविलाइजेशन इसको गिरताप और द स्कॉर्पियन बोलते थे ऑलमोस्ट आज से 5,000 साल पहले। 5,000 साल की ही हम लोग बात करें तो 5,000 साल पहले मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात इंडियन सबकॉन्टिनेंट के कॉन्टेक्स्ट में की जा सकती है। तो हम बात कर रहे थे, मेरा थोड़ा नाक बंद है तो थोड़ा बीच बीच में मैं ब्रेक लेना पड़ेगा। ओके, जस्ट गिव मी सेकेंड।
मुझे आप लोगों का प्रॉब्लम समझ में नहीं आता है। कोई शारदा खंदारे करके है, आपको इतनी भी समझ नहीं है कि क्लास के बीच में माइक ऑन नहीं करना है? कार निकाल दो उनको, बाद में देखेंगे उनका क्या प्रॉब्लम, रिमूव। जिनको डिसिप्लिन नहीं है वो क्लास में नहीं आए तो बेहतर होगा। आप जो भी फीस वगैरह पे कर रहे हैं, दैट इज नथिंग, एनी टाइम इट कैन बी रिटर्न्ड, एंड वो फीस फीस नहीं है, वो डिसिप्लिन के लिए पैसे है। आपको इतनी समझ तो होनी ही चाहिए। जो भी लोग नए उससे ज्वाइन किए हैं, यू कैन क्विट एनी टाइम, यू आर नॉट रिक्वायर्ड इन केस यू आर इन डिसिप्लिन। ओके, ये फिर से नहीं बोलूंगा मैं, निकाल दूंगा क्लास, ठीक है? तो ध्यान में रखे ये सब बात। क्लास ज्वाइन करके आप हम पे उपकार कर रहे हैं, ये फीलिंग से आप जल्द से जल्द बाहर आएंगे उतना अच्छा। हम बात कर रहे थे कि स्कॉर्पियन कॉन्स्टिलेशन में जो बहुत सारी चीजें हैं, इट्स बेसिकली जोडियकल कॉन्स्टिलेशन इन द सदर्न स्काई। आप देखोगे तो वो हम बेसिकली यहाँ के जो महाराष्ट्र या इंडिया बेल्ट के लोग, हमको साउथ में वो दिखता है। ओके, बिटवीन लिब्रा एंड सैगिटेरियस एट अबाउट 16 आवर्स 30 मिनट्स राइट असेंशन एंड 30 डिग्री ऑफ द साउथ डिक्लिनेशन। अभी जो नए लोग हैं उनके लिए सब बाउंसर है, डिक्लिनेशन क्या होता है, राइट असेंशन क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजीज हम पहले पढ़ चुके हैं, आगे भी पढ़ेंगे। टेम्पररी इतना समझ लीजिए कि जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं और उसमें जब हम लोग कोई भी कॉन्स्टिलेशन आसमान में बताना चाहते हैं, एक इंटरनेशनल सिस्टम है जिसमें राइट असेंशन डिक्लिनेशन ये टर्मिनोलॉजीज आ जाती है। तो अभी हम स्कॉर्पियन कॉन्स्टिलेशन की जहां तक बात कर रहे थे तो उसका राइट असेंशन है 16 आवर्स 30 मिनट और साउथ डिक्लिनेशन 30 डिग्री है। ब्राइट स्टार्स जिसको अल्फा बोला जाता है, या अल्फा बेटा गामा, इस तरीके से जो सिस्टम है ग्रीक्स का, अल्फाबेट्स का, उससे इनके नाम दिए जाते हैं, ब्राइटर से लेके कम से कम 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 होने वाले ब्राइटनेस के हिसाब से। तो एंटरस 15th ब्राइटेस्ट स्टार है नाइट स्काई में, मैग्नीट्यूड उसका 1.1 है। ये टर्मिनोलॉजी फिर से आपके लिए नहीं है, ये बेसिकली उसका नाम जो है वो आता है एक ग्रीक वर्ड से जिसका मतलब होता है राइवल ऑफ एरेस। अभी एरेस क्या है? एरेस और राइवल ऑफ द प्लैनेट मार्स। मार्स को आपने अगर आसमान में देखा होगा तो ये भी बहुत ऑरेंज रेडिश टाइप का दिखता है, क्योंकि उसके क्रस्ट में जो है बहुत आयरन ऑक्साइड है, तो रस्ट के कारण वो लाल सा दिखता है हमको। अगर आप वही बात करें एंटरस की, तो एंटरस भी इसी तरीके से बहुत लाल या ऑरेंज दिखने वाला स्टार है, इसलिए उसको आसमान में राइवल ऑफ द मार्स बोला जाता है। ओके, अभी द ब्राइटेस्ट एक्सरे सोर्स इसमें लोकेटेड है जिसका नाम है स्कॉर्पियस X1। तकरीबन कुछ 1962 में ये ढूंढा गया और बहुत फेमस है क्योंकि यह अनोखा अपने एक स्पेसिफिक टाइप का है। जहां तक जोडियाकल कंसिडरेशन मतलब सन साइन के कंसिडरेशन को देखे तो इस पर्टिकुलर स्कॉर्पियस कॉन्स्टिलेशन में सूरज का होना कंसिडर्ड एज अ गवर्निंग पीरियड फ्रॉम द अक्टूबर 24th टू द नवंबर 21st। बट ये हो गया एक पुराना अजम्पशन। आज की डेट पे अगर हम एग्जैक्ट नेक टू नेक बात करें तो ये पीरियड बहुत ही कम है। ओके, अप्रोक्सीमेटली एक वीक का पीरियड है जिसमें एक नवंबर 22 थ्रू एक नवंबर 29, इतने ही पीरियड में सन इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिलेशन में होता है। आप बोलोगे इसी तरीके से ये क्लास चलेगा क्या? यस, जब कॉन्स्टिलेशन की बारी आती है तो हमको उनके फाइन डिटेल्स मालूम करने बहुत जरूरी है, नहीं तो उस कॉन्स्टिलेशन को कभी किसी को एक्सप्लेन करना है तो हमारे पास जानकारी नहीं होगी तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड जो स्टोरीज है वो हम माइथोलॉजी पार्ट में कवर करेंगे। अभी हम चलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट दूसरी चीजों में जो इसी तरीके से उसके कुछ चीजों से रिलेटेड है। ओके, स्कॉर्पियस कॉन्स्टिलेशन हैज इंट्रिग्यूड पीपल फॉर सेंचुरीज, नॉट ओनली फॉर द डिस्टिंक्टिव शेप बट आल्सो बिकॉज इट इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट कॉन्स्टिलेशन, जिसका जिक्र मैं कर रहा था। द नेम इज लैटिन फॉर स्कॉर्पियन और लिटरली ट्रांसलेटेड एज द क्रिएचर विद अ बर्निंग स्टिंग। तो मैंने पिछली बार बात की थी कि मुझे एक बार वेनमस स्नेक ने काटा था,
तो पेन तो काफी होता है, पर मैंने यू सुना है कि स्कॉर्पियन का स्टिंग का बाइट जो है वो सबसे ज्यादा पेनफुल होता है, काफी हद तक स्नेक बाइट से तो ज्यादा पेनफुल होता है। एंड दैट इज वाई ये स्कॉर्पियन, और जिसका लिटरल मीनिंग लैटिन का ये है कि क्रिएचर विद अ बर्निंग स्टिंग, ये स्कॉर्पियन यहाँ आसमान में हमको देखने को मिलता है। जैवेनिज पीपल ऑफ इंडोनेशिया, मतलब हमारे साउथ ईस्ट की तरफ के लोग, साउथ ईस्ट है ना, हाँ साउथ ईस्ट की तरफ से, अंडमान के बगल में है, नीचे की तरफ है ये आपका इंडोनेशिया और बाकी सब मलेशिया वगैरह। तो जावानीज, जावानी मतलब जावा सुमात्रा, वहाँ के जो आइलैंड है, तो जावानीज मतलब जावा आइलैंड के लोग जो इंडोनेशिया के आसपास है, दे कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन बनिया कांग्रेम। बनिया कांग्रेम का मतलब होता है द ब्रूडेड स्वान। ओके, कुछ और सिविलाइजेशन उसको कलपा डोयांग भी बोलते हैं, जिसका मतलब लीनिंग कोकोनट ट्री, एक झुका हुआ नारियल का पेड़। इस तरीके से कई अपनी अपनी स्टोरीज है, जैसे हवाई आइलैंड के लोग इसको डेमीगॉड माउइज फिशुक बोलते हैं, तो चाइनीज माइथोलॉजी में इस कॉन्स्टिलेशन को पार्ट ऑफ द अजूरे ड्रैगन भी बोला जाता है। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर स्कॉर्पियस लाइज क्लोज टू द सदर्न होराइजन, इन सदर्न हेमिस्फीयर इट लाइज हाई इन द स्काई नियर द सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। तो वहां से मतलब ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से ये बहुत ही बढ़िया दिखता होगा। मैंने थोड़ी देर पहले बताया ही कि इसका राइट असेंशन अप्रोक्सीमेटली 17 आवर्स है और इक्लिनेशन 30-40 डिग्रीज के आसपास। ये विजिबल बिटवीन द लैटिट्यूड्स ऑफ 40 डिग्री एंड -90 डिग्रीज के बीच में ये दिखता है। बेस्ट सीन ड्यूरिंग द जुलाई अगस्त सितंबर पीरियड। एंशियंट ग्रीक कंसिडर्ड द लिब्रा कॉन्स्टिलेशन टू बी द क्लॉज ऑफ द स्कॉर्पियन। आज की डेट पे जब आप उसको कोई सॉफ्टवेयर में देखोगे, फिर आसमान में देखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो स्कॉर्पियन के क्लॉज है वो ठीक से दिखते नहीं। पुराने जमाने में लोगों ने, एंशियंट ग्रीक सिविलाइजेशन या उधर के लोगों ने, इस स्कॉर्पियन का एक्सटेंडेड या सामने जो लिब्रा कॉन्स्टिलेशन है उसी को इसके साथ जोड़ के उसके क्लॉज जो है वो इमेजिन किए थे। स्कॉर्पियस ग्रेट प्रोमिनेंस टू आई, इट्स आइकॉनिक आयरोनिक दैट द सन स्पेंड लेस टाइम इन इट्स फ्रंट। मैं बोल रहा था ना कि 22 से 29 के बीच, नवंबर के बीच में ही वो वहां रुकता है, जबकि है कॉन्स्टिलेशन बड़ा इंटरेस्टिंग। स्कॉर्पियस इज 33rd कॉन्स्टिलेशन इन साइज, एरिया अप्रोक्सीमेटली आसमान का 497 स्क्वायर डिग्रीज ऑक्यूपाई करता है, और इसके अगल बगल में कौन है, हेरा है, कोरिना ऑस्ट्रेलियस है, लिब्रा की तो हम अभी बात कर रहे थे, ल्यूपस है, नॉर्मा हम अगली बार पढ़ेंगे, ऑफिकस, सेगिट्रियस, ये सारे उसके आसपास के कॉन्स्टिलेशन है। स्टार्स की जहां तक बात करें, एंटरस इसका अल्फा है, रेड है, सेमी रेगुलर है, 1.1 का ब्राइटनेस है। इसका साइज जो है, ओके, हैविंग सेवरल हंड्रेड टाइम्स द डायमीटर ऑफ सन। आपने मेरे पहले लेक्चर में सुना होगा, मैं हमेशा ही बेटलग्यूस, एंटरस, आर्क्ट्यूरस, सीरियस और सन को कंपेयर करता हूँ वास्टनेस दिखाने के लिए। तब आपको, आपने मेरे मुंह से सुना होगा कि इसका जो ल्यूमिनियोसिटी है वो 10,000 times द सन, मतलब सन को और इसको एक ही दूरी पे रखे तो सन अगर एक दिख रहा है तो उससे 10,000 गुना ज्यादा ब्राइट एंटेरस हमको दिखेगा। बट ये इतना आसान नहीं है, इसलिए मैं आपको चित्र के फॉर्म में वो आगे जाके दिखाऊंगा। अभी हम इतना देर एक छोटा सा खराब सा चित्र देख रहे थे, तो अभी हम काम करते हैं, आगे के चित्र में चलते हैं, जहां पे आपको थोड़ा ठीक से शोला, लेसी, एंटेरस, M4 नाम का क्लस्टर, ये सारी चीजें दिखेंगी। बट इसके भी आगे चलेंगे, और ये पुराने जमाने के लोगों ने क्या इमेजिन किया था वो था। ये कुछ इस तरीके से उन्होंने लिब्रा यानी तराजू के अंदर घुसा हुआ स्कॉर्पियन नाम का चित्र दिखाया है। अभी हटा दीजिए स्कॉर्पियो तराजू के जो ऊपर ये है पैंस है उनको, और वहां पे इमेजिन करिए स्कॉर्पियन के क्लॉज, तो ग्रीक ओल्डर माइथोलॉजी के हिसाब से ये पूरा स्कॉर्पियन बन जाएगा। बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, दिस इज द रियल पिक्चर व्हिच यू विल फाइंड बिट हार्ड टू इमेजिन।
तो मैं बना देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा कि सोचिए, ये कुछ या ये कुछ इस तरीके से है, फिर ऐसे घूमा, फिर ऐसे घूमा, अभी अगर मैं सही ड्रॉ किया तो मैं यहाँ पे आपको उसका कर्व दिखाता हूँ। ये जे का कर्व है, बड़े बड़े एंटेरेस से होते हुए यहाँ कुछ इस तरीके से क्लॉज बन। तो ये है आपका स्कॉर्पियन इन द आर्म ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। यहाँ काफी ब्राइटर ऑब्जेक्ट है, उनकी हम बात करेंगे ही। टेम्पररी मैंने आपको सिर्फ ये दिखा दिया, अभी मैं इसको अंडू करता हूँ। तो आगे चलते हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ कि इफ वी रियली स्टार्ट टॉकिंग अबाउट वेरियस स्टार्स जो इन दिस कॉन्स्टिलेशन स्कॉर्पियस, तो स्टार्स तो बहुत, मतलब कौन है, अक्रैब है, अलनियात है, एंटेरस है, डिवो, शुबा, फैंग, होई है, एक्लील, चब्बा, लार्वा, लेसी, पाइकाहुल है, पिपीरिग्मा, रापेटो, सारगास, तारजा, शवला एंड सेमीडिमूरा, इतने सारे नॉन स्टार्स है। एंटेरस स्पेशल है क्योंकि सचमुच एंटेरस कितना बड़ा है, उसका चित्र आपके पास यहाँ। इमेजिन करिए कि जो क्वार्टर से ज्यादा पोर्शन दिखाया है बड़े से स्टार का, वो एंटेरस, बट पहले उसमें नहीं था। पहले हम जूम करेंगे हमारे सूरज को, जिसका डायमीटर यहाँ 0.7 मिलियन किलोमीटर, मतलब 7 लाख किलोमीटर रेडियस है, डायमीटर सॉरी रेडियस, 7 का डबल होता है 14, प्रेसाइजली 13,92,000, मतलब 13,92,000 किलोमीटर इज द डायमीटर ऑफ द सन। फॉर रेफरेंस इट इज शोन एज अ पॉइंट हियर। देन आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट आर्क्टुरस, दैट इज स्वाति नक्षत्र का तारा, जो योग तारा है बूटस नाम के कॉन्स्टिलेशन के अंदर का मेन अल्फा। तो ये जो अल्फा बूटीस है वो है आर्क्टुरस, जिसका रेडियस है 20 मिलियन किलोमीटर, मतलब 200 लाख किलोमीटर, डायमीटर हो गया 400 लाख किलोमीटर, मतलब तकरीबन आप पकड़ लीजिए 4 करोड़ किलोमीटर डायमीटर की बात है। अभी इनके जो कंपैरिजन में ये दिखाया कि सपोज ये जो तारा दिखाया रेड जायंट एंटेरस, इसका डायमीटर है 30 × 2, दैट इज 60 करोड़ किलोमीटर। कहाँ 4 करोड़ किलोमीटर वाला आर्क्टुरस, कहाँ 60 करोड़ किलोमीटर वाला एंटेरस। अभी ऑब्वियसली 60 करोड़ किलोमीटर डायमीटर है, मतलब 30 करोड़ किलोमीटर रेडियस है, तो सूरज की जगह पे हम एंटेरस को रख दे तो एंटेरस विल क्रॉस मर्क्यूरी विच इज अप्रोक्सीमेटली 6 करोड़ किलोमीटर, देन वीनस 10 करोड़ किलोमीटर, देन अर्थ 15 करोड़ किलोमीटर, देन मंगल यानी मार्स 22.5 करोड़ किलोमीटर, और उसके आगे जाएगा वही यहाँ चित्र में दिखाया। ऑर्बिट ऑफ द मार्स इज 22.7 मिली 227 मिलियन, मतलब 22.7 करोड़ किलोमीटर। उसके आगे कितना और, 8 से 7 करोड़ किलोमीटर, दैट इज टोटल 30 करोड़ किलोमीटर इज द रेडियस ऑफ दिस एंटेरस। दिस इज द रेफरेंस स्केल फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ बिग इज एंटेरस, बट हाउ ब्यूटिफुल इट इज लुक्ड व्हेन सीन फ्रॉम द अर्थ सरफेस कंपेरेबल टू द मार्स, विच इज एक्चुअली नो वे साइज कंपेरेबल टू द एंटेरस। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे कि ये कुछ माइथोलॉजिकल स्टोरी है। एक भाई साहब है ओरायन हंटर और दूसरे भाई साहब है स्कॉर्पियस। अभी इनकी जो माइथोलॉजी की स्टोरी है पहले उसे समझ लेते हैं, फिर हम फिर से स्टार और डीप स्काई ऑब्जेक्ट समझने के लिए जाएंगे स्कॉर्पियस कॉन्स्टिलेशन। तो माइथोलॉजी ये है कि माइथोलॉजी में स्टोरीज की, स्पेशली स्काई के अंदर जो कॉन्स्टिलेशन दिखती है उनमें ये स्टोरीज की कोई कमी नहीं। फर्स्ट स्टोरी ये है कि ओरायन द हंटर नाम का, ओरायन नाम का जो एक महान योद्धा यूरोपियन लोगों के सारे स्टोरीज में आता है, वो इतना गर्व हो गया उसको, बूस्टफुल हो गया अबाउट हिज हंटिंग स्किल, अबाउट हिज कैपेबिलिटीज, कि एक दिन तो उसने दावा कर दिया कि भाई
मैं अर्थ के ऊपर के किसी भी एनिमल को मार सकता, और जब थोड़ा ज्यादा ही हद क्रॉस करने लगा ये और आए कि मैं हर अर्थ के ऊपर के प्राणी को मार ही दूंगा, तो भाई गॉडेस भी वो अर्थ भी हो सकती है, उनके हिसाब से कोई गैया होगी, कोई और होगा, उन्होंने स्कॉर्पियस को मतलब इस बिच्छू को भेज दिया ओरायन को मारने के लिए। बड़ी घमासान लड़ाई हुई होगी, अभी एक दूसरे के इतने बड़े शत्रु सामने थे। फाइनली इस घमासान लड़ाई में, और दिस इन दिस पर्टिकुलर फियर्स बैटल, स्कॉर्पियस हैज गिवन वन इंट बाइट टू दिस ओरायन द हंट, और उसके कारण इस ओरायन द हंटर की मौत हुई, ऐसा एक स्टोरी में कहा जाता है। अब ये इनकी स्टोरीज इतनी साल चलती रही कि आप आसमान व्यू भी उसका रिफ्लेक्शन देखो, इन शत्रुओं को एक दूसरे का मुंह देखना बिल्कुल पसंद नहीं। तो जब तक आसमान में ओरायन है तब तक स्कॉर्पियन नहीं होता, और जब तक स्कॉर्पियन है तब तक ओरायन, मतलब ऑब्वियसली एक दूसरे के सेलेस्टियल स्पेयर जो 360 डिग्री का है उसमें 180 डिग्री अपार्ट है। आप इस चीज को समझ रहे हैं कि एक जून में राइज होता है सूरज के साथ, तो एक मतलब सूरज के साथ चलता है, तो आप जानते हो उसके साथ एग्जैक्टली 6 महीने में दूसरा होता है, मतलब नवंबर टू अगर हम उसकी बात करें तो 6 महीने का डिफरेंस दोनों के बीच में है, जो मतलब डिफरेंस है 180 डिग्री का, मतलब वो एक दूसरे के साथ आसमान में कभी भी नहीं होते। ओके, दूसरी स्टोरी इनसे ये है जुड़ी हुई, जिसमें इस स्कॉर्पियस कॉन्स्टिलेशन को एक मतलब भगवान का फिश पकड़ने का हुक बोला गया। तो हवाई नाम के जो आइलैंड्स हैं उसमें ये स्टोरी स्कॉर्पियस की फेमस है, इट इज कंसिडर एज अ डेमी गॉड मॉइज फिश हुक। वन डे मॉई वेंट फिशिंग विद हिज ब्रदर इन दी इन हिज ओन कैनॉय बोट, जो भी आप बोले, उसके साथ वो लेके गया था एक मैजिक फिश हुक। इसी की बात कर रहे हैं हम लोग, स्कॉर्पियस में जो जे दिखता है ना वो फिश हुक है। उसने अपने भाई लोग को या अपने साथी जो भी थे सबको बोले, एवरीबडी ही इंस्ट्रक्टेड नॉट टू इंटरफेयर इन इट्स फिशिंग, नाइदर टू लुक बैक ऑन द वॉट एवर इज बीन कैच्ड। उनको उसको कैच जो हो गया उसके बाद उनको आगे पीछे कुछ ना देखे, दे हैव टू जस्ट कीप मूविंग एंड कम टू द मेनलैंड सो दैट दे कैन टेक बैक देयर कैच। अभी दे स्टार्ट दे गॉट सम कैच, दे स्टार्टेड मूविंग इन बिटवीन, सो मेनी रॉक्स अपीयर्ड, सो मेनी इन बिटवीन थिंग्स अपीयर्ड, बट ही इंस्ट्रक्टेड स्ट्रिक्टली नॉट टू लुक बैक। आफ्टर सो मच ऑफ रिग्रस एफर्ट्स फॉर सो मेनी आवर्स और डेज, वन ऑफ द ब्रदर ऑफ मॉई गेट एग्जॉस्टेड, एंड इन दिस ही क्यूरियसली लुक बैक, एंड वॉट ही ऑब्जर्व वॉज बेसिकली देवर पुलिंग द पीस ऑफ द लैंड। एक पूरा बड़ा सा जमीन ही खींच के भाई साहब लोग लेके जा रहे हैं। अभी इस ये चीज देखने के बाद मौवी के ब्रदर को इतना धक्का लगा, शॉक लगा, इतना आश्चर्यचकित हुआ कि वॉज बेसिकली अबैक्ट। ओके, तो उन्होंने जोर से चिल्लाया कि अरे हम तो पूरी जमीन ही खींच के ला रहे हैं समुद्र में। आफ्टर सीइंग दिस मौवी रिस्पॉन्डेड सेइंग, फूल्स, आई टोल्ड यू नॉट टू लुक बैक बिकॉज दिस आइलैंड्स वुड हैव बीन अ ग्रेट लैंड इफ यू हैवंट लुक बैक। अगर आप पीछे नहीं देखते तो ये जमीन आप खींच के अपनी मेनलैंड के आसपास लाते और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जमीन हमारे लिए हो जाती। दैट इज द हवाई आइलैंड कंपेयर टू द एडजेसेंट मेनलैंड। सेम स्टोरी आपको न्यूजीलैंड के बारे में, सेम स्टोरी आपको साउथ साउदर्न हेमिस्फीयर में जाओगे तो सिमिलरली बहुत सारे आइलैंड से जुड़ी ये चोरी चकारी की हुई सेम स्टोरी आपको सुनने मिलेगी। सो व्हाट इज हियर इज बेसिकली ये सारी स्टोरीज, कभी स्कॉर्पियस जैसे दिखने वाले या हुक जैसे दिखने वाले, फिशिंग हुक जैसे दिखने वाले इस ऑब्जेक्ट के आसपास घूमती है। अभी इसमें और भी स्टोरीज है बट हम उसमें नहीं जाएंगे, विल मूव ऑन टू द स्टार डिग्री। तो यहाँ भाई नाम दिए है, अक्रैब कौन सा है, शुबा कौन सा है, अलनियात कौन सा है, एंटेरस कौन सा है, इसमें कैट स्पॉन एबुला किधर है, शौला किधर है, लार्वांग किधर है, लेसिथ किधर है,
सर्गेस किधर है, अपोलियन किधर है, गिरताप किधर है, ईटा कौन है, जीटा कौन है, म्यू कौन है, ये सारी चीजें यहाँ पे है। आई होप आपके पीसी में ये ठीक से दिख रही हूँ। अभी हम बात करेंगे स्टार्स। अब सबको स्टार्स के चक्कर में लेके जाने के पहले कुछ डिटेल्स बता दूं। ये जो कॉन्स्टिलेशन है ये मिल्की वे बेल्ट और इक्लिप्स के आसपास होने के कारण इसमें बहुत सारे ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टार, ब्राइट स्टार जैसे एंटरस, शोला, डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स में बटरफ्लाई क्लस्टर है, टॉलेमिस क्लस्टर है, कैटपॉ नेबुला है, बटरफ्लाई नेबुला है, वारेट ईस्ट नेबुला है। स्कॉर्पियस कॉन्स्टिलेशन की खासियत है कि ये एक लोकेशन है फॉर सेवरल इंटरेस्टिंग एक्सोप्लैनेट। अब एक्सोप्लैनेट क्या, अपने सोलार सिस्टम के बाहर जो और स्टार्स है उसके आसपास इर्द गिर्द जो प्लैनेट चक्कर लगाते हैं वो प्लैनेट्स जो हमारे इंटरेस्ट के है कि जहाँ पे कोई जीव या इवॉल्व बॉडीज या हैबिटेबिलिटी की पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्सोप्लैनेट्स इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिलेशन में मिले। ओके, प्लैनेट PSR B1620 sometimes called as a Methuselah is estimated approximately 13 billion years old, 12.7 मतलब approximately age of the universe। तो इतना पुराना ये ग्रह। वैसे ही एक ग्लीसा सीरीज है जो सुपर अर्थ है, वो भी इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिलेशन के अंदर देखी जा सकती थी। जैसे 667 CC है, 667 C है, ये सारे तारे जो है वो ग्लीसा नाम के जो सुपर अर्थ या प्लैनेट है वो इसी कॉन्स्टिलेशन में देखे जाते हैं। अभी कितना बजा, सॉरी मेरी आवाज एकदम बैठ गई है। तो अभी हम बात करेंगे एंटेरस, जो अल्फा स्कॉर्पियो है यहाँ पे है, आप देख रहे हो। इज अ रेड सुपर जायंट एंड अप्रोक्सीमेटली 15 कभी 16 क्योंकि कंपैरेटिवली दो जहाँ डबल स्टार या क्या बोल सकते हैं, दो बाइनरीज वगैरह है उनके कंपैरिजन में ये सिंगल स्टार काफी ब्राइट है। तो कैपेला के कंपैरिजन में कभी इसको कभी 15th रैंक मिलता है या 16th रैंक मिलता है। इस लेवल पे रात के आसमान में ब्राइटनेस पे ये तारा आता है। इसका अपेरेंट मैग्नीट्यूड 0.96 टू 1.8 है। इट इज पार्ट ऑफ द बाइनरी सिस्टम। इट्स अ 4 फर्स्ट मैग्नीट्यूड स्टार लाइक विद इन द 5 डिग्री ऑफ द इक्लिप्टिक अलोंग विद द अल्देब्रान। अल्देब्रान मतलब रोहिणी इन द टॉरस कॉन्स्टिलेशन, पाइका मतलब चित्रा इन कन्या यानी वर्गो कॉन्स्टिलेशन, और रेगुलस ओके मघा इन लीवो मतलब सिंह राशि। इट कैन बी ऑक्कल्टेड बाय द मून ओके एंड बाय वेरी इनफ्रीक्वेंट बाय वीनस। लास्ट रिकॉर्डेड ऑक्कल्टेशन ऑफ द वीनस ऑकर्ड इन 525 BC। एंटरस के डिटेल्स में जाएंगे। इसकी रेडियस अप्रोक्सीमेटली 883 टाइम्स द सन है। अप्रोक्सीमेटली 10,000 टाइम्स इसकी ल्यूमिनेसिटी है सन से, और वजन जो है वो 15 से 18 सोलार मासेस। एस्टिमेटेड एज इज 12 मिलियन ईयर्स एंड डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स में इसको डिफरेंट डिफरेंट नाम मिले थे, जिसमें से एक मैंने बोला था कि बेबिलियंस नो दिस स्टार एज अ गाबा गिटैम द ब्रिस्ट ऑफ द स्कॉर्पियन। ओके, इन इजिप्ट इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ स्कॉर्पियन गॉडेस सर्केट एंड इन पर्सिया इट इज नोन एज द सेतेविस मतलब रॉयल स्टार। अभी या अपनी अपनी सभ्यता में उनके अपने अपने नाम है, हम इसके पीछे ढूंढना चालू करेंगे। तो मैंने जैसे हमारे यहाँ की बात की थी, स्कॉर्पियन कॉन्स्टिलेशन में अनुराधा नक्षत्र आता है, ज्येष्ठा एंड मूला। तो अनुराधा और मतलब ये जो ज्येष्ठा दिख रहा है आपको, ये एक नक्षत्र है, ये सॉरी मैं इसको येलो कर देता हूं। ओके, तो ये एक नक्षत्र है, ये जो है ये अनुराधा एरिया, और मैं इसी को छोटा करूं तो इसके बाद जो नीचे है ये सारे मूल नक्षत्र के तारे। तो आप समझ सकते हो अनुराधा नक्षत्र के 4 प्रोमिनेंट तारे हैं वहां पे,
ज्येष्ठा नक्षत्र का एक्चुअल 3 बोला गया है, वो कहाँ तक है, मतलब उसके आसपास जो और दो छोटे हैं वो है, और मूल नक्षत्र में टोटल 11 प्रोमिनेंट तारे हैं। एग्जैक्ट हिसाब किताब मुझे सही में नहीं पता, क्योंकि वो पुराने जमाने का हिसाब किताब है, मैं उसके बारे में ज्यादा पढ़ता नहीं, बट इतना जरूर है कि ये जो मैंने पार्टीशन की है, सर्कल एरियाज बना है येलो से, वही मोटा मोटी पकड़ा जाता है फॉर दी एरियाज ऑफ द स्पेसिफिक नक्षत्र। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो अभी हम चलते हैं, अभी हम जानेंगे इंडिविजुअल तारे के बारे में। हमने ऑलरेडी ज्येष्ठा कवर किया, दैट इज एंटेरस। अब वी गो टू द लैम्बडा। लैम्बडा इज शौला, लैम्बडा स्कॉर्पी इज द सेकंड ब्राइटेस्ट स्टार इन द कॉन्स्टिलेशन, 25th ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई विद द एपरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ अबाउट 1.6। एस्ट्रोनॉमर्स जो इसकी स्टडीज करते हैं, उन्होंने कंफर्म किया कि ये भी दो तारों से बना हुआ है, थर्ड भी प्रेजेंट हो सकता है बिकॉज इट इज प्रोड्यूसिंग मोर देन एक्सपेक्टेड एक्सीडेंट। एज फिर से इसका तकरीबन 10 से 13 मिलियन लाइट मिलियन ईयर्स है, मतलब ये सब नए तारे। इसका अरेबिक मतलब होता है अल शौला, विच मीन्स द रेस टेल। अभी शौला पूंछ में है स्कॉर्पियन के, तो उसका टेल से संबंध जोड़ा गया। नेक्स्ट तारा है बीटा स्कॉर्पी, दैट इज अक्रैब। आप यहाँ देख रहे हो, आई होप, जब मैं शोला बोला तो ये शोला है, ओके। अक्रैब जो है वो ये बीटा है, स्कॉर्पी दैट इज अक्रैब। तो ये जो अक्रैब है इज अनदर मल्टीपल स्टार सिस्टम इन स्कॉर्पियस। स्मॉल टेलीस्कोप से दो बाइनरी स्टार्स देखे जा सकते हैं। 13.5 आर्क सेकेंड्स पे है ये। ट्रेडिशनल नेम अक्रैब इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक फ्रेज अल अक्राम, विच मीन्स द स्कॉर्पियन। यहाँ सारी चीजें आपको स्कॉर्पियन से, स्कॉर्पियन के क्लॉस से, स्कॉर्पियन के ब्रेस से, स्कॉर्पियन के पूंछ से, उसके बाइट के पेन से जुड़ी हुई दिखी। नेक्स्ट नेम इन दिस इज क्यूबा, विच इज डेल्टा स्कॉर्पी। स्टेलर क्लासिफिकेशन B0.34 है एंड इज अप्रोक्सीमेटली 490 लाइट ईयर्स। विजुअल मैग्नीट्यूड 2.3 के रेंज में है। इसको रेफर किया जाता है अरेबिक में जबहात, विच मीन्स द फोर हेड, रेफरिंग टू द स्कॉर्पियन फोर हेड। ऐसे बहुत सारे तारे हैं उसको हम कवर कर सकते हैं, बट ये सारी जानकारी आपको नेट पे मिलेगी। आप सबको बार बार अरेबिक वर्ड सुन के ऐसा लग रहा होगा कि लेक्चर हिंदुस्तान में चल रहा है कि अरेबिया में चल रहा है। तो ये मालूम होना जरूरी है आप सबको कि वेन एवर वी टॉक अबाउट नॉलेज, नॉलेज जिसने प्रिजर्व किया वो उसका मालिक हुआ, और जब वो मालिक हुआ तो उसने अपने नाम से, अपने तरीके से मॉडिफिकेशन करके, इम्प्रोवाइजेशन करके उसको बचाए रखा, बाद में वो उनके मालिकाना हक से आगे गए। जैसे ये सारे चीजों का नामकरण करने का काम अपने यहाँ अपने तरीके से हुआ, पर अपने यहाँ नॉलेज पे इतने रिस्ट्रिक्शन थे कि वो कभी कहीं गया, ऐसा ही बोलना पड़ेगा, अपने ही लोगों को नहीं मिल रहा था एक जमाने में। तो वो जो पुराने जमाने में यूरोप में वगैरह थोड़ा फ्री कल्चर था, उनके चलते यूरोप में काफी डेवलपमेंट हुआ। आगे जाके यूरोप में भी अंधार युग आया, सारा नॉलेज जला के धर्म क्षेत्र टू मच इन्फ्लुएंसिंग एंड डोमिनेंट हो रहे थे। उस जमाने में उसको बचाने का काम अरेबिक एरिया के लोगों ने, सिविलाइजेशन ने किया। आगे जाके यही नॉलेज जब काम में आया तो उसमें उनके जो डाले हुए नाम थे, जैसे अलजेनु या बोलेंगे अल्देब्रान, तो ये सब अरेबिक ओरिजिन के नाम से इन तारों को जाना जाता है। एंड दैट इज व्हाई यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द टाइम द रेफरेंस ऑफ अरेबिक सिविलाइजेशन विल बी गिवन, क्योंकि ये लेटेस्ट पीरियड के उनके एग्जिस्टेंस का, मतलब 7th-8th सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक के उनके इस नॉलेज को बचाए रखने के एफर्ट्स के एवज में उनके नाम ही ऑलमोस्ट फॉलो किए जाते हैं। नाउ वी हैव लॉट ऑफ स्टार्स इन लिस्ट, विल नॉट गेट इन टू दैट। हम सीधे चलेंगे इसके अंदर जो स्कॉर्पियस X1 नाम का एक्सरे सोर्स है उसके बारे में थोड़ा जाने। इट इज अपरेंट मैग्नीट्यूड बहुत कम रहता है, 12.2 लाइट ईयर्स 9000 के आसपास इसका है। लो मास एक्सरे है, कंपोज्ड ऑफ द न्यूट्रॉन स्टार, रॉज मटेरियल ऑफ द डोनर स्टार। दो तारे जब एक मरने की कतार पे होता है, दोनों का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करता है,
एक तारा दूसरे के ऊपर का मटेरियल खींच लेता है, और ऐसे ही सिचुएशन में स्कॉर्पियस के अंदर एक X1 फर्स्ट एक्सरे सोर्स डिस्कवर किया गया है तकरीबन 1962 में। ओके, तो 1962 ने गियाकोनी ने रिकार्डो गियाकोनी नाम के एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, उन्होंने ये इसको किया डिस्कवर एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द एक्सरे एस्ट्रोनॉमी एंड वॉन नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क इन 2002। 2002 में उनको उनके इस काम के लिए सराहा। ये इंपॉर्टेंट मैप है क्योंकि इसको बोला जाता है मैप मेड एंड अप्रूव्ड एंड पब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। यहाँ पे आपको हर एक ऑब्जेक्ट दिखेगा, बीटा, डेल्टा, MAT, M4, कई सारे ऑब्जेक्ट, M6, M7, ये सारे क्या है, मेसियर ऑब्जेक्ट। ये कैसे दिखते हैं ये हम अभी शुरू करने वाले हैं। इसको आप नजर भर देख लो, नीचे के काले सर्कल को भी। ये 6 नंबर दिख रहा है, 5 नंबर दिख रहा है, 4, 3, 2, 1। ये बेसिकली काला डॉट जितना बड़ा उतनी उसकी इंटेंसिटी बड़ी, इस हिसाब से तारों को दिखाया जाता है। जो आप यहाँ देख रहे हैं कि सबसे ब्राइट इसमें एंटेरस है, तो एंटेरस का सर्कल बड़ा। ओके, अभी हम चलेंगे डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स इन दी कॉन्स्टिलेशन स्कॉर्पियस। ओके, पहला ऑब्जेक्ट है M4, आप देख सकते हैं NGC न्यू जनरल कैटलॉग नंबर 6121। क्या है ये? M4 इज अ ग्लोबुलर क्लस्टर। ग्लोबुलर क्लस्टर क्या है वगैरह ऑलरेडी पढ़ाया, फिर से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ देख लो कि यहाँ कुछ बहुत सारे तारों का झुंड है, बहुत सारे कलर का, और बहुत करीब एक दूसरे के है। ये जो M4 मेसियर ऑब्जेक्ट 4 है, अपरेंट मैग्नीट्यूड उसकी 5.9, 7200 लाइट ईयर्स डिस्टेंस हमारे सोलर सिस्टम से है। फर्स्ट ग्लोबुलर क्लस्टर डिस्कवर्ड इन विच इंडिविजुअल स्टार्स कुड बी रिजॉल्व। इसमें ऐसा ग्लोबुलर क्लस्टर के इसमें इंडिविजुअल स्टार को भी रिजॉल्व किया जा सकता है। उसकी उम्र है तकरीबन 12.2 बिलियन ईयर्स। इसका डायमीटर ही 75 लाइट ईयर्स, जबकि हमारे सोलर सिस्टम का डायमीटर 1 लाइट ईयर के आसपास। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय स्विस एस्ट्रोनॉमर फिलिप लॉयस इन 1746। M4 is easy to find in the sky, 1.3 degrees west of the Antares. Okay, तो ये मैंने भी नहीं देखा है टेलीस्कोप से, क्योंकि मेरा टेलीस्कोप है यूजफुल, पर बहुत बार विजिबिलिटी का इशू आता है। अभी हम चलेंगे दूसरे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट की तरफ, नाम है मेसियर ऑब्जेक्ट 6। इसको बोलते हैं बटरफ्लाई क्लस्टर। अभी चित्र दिखाता हूँ, आप ही बताएंगे कि इसको बटरफ्लाई क्यों बोलना है, क्योंकि ये बटरफ्लाई की तरह दिखता है। ओके, सिमिलर टू दैट ऑफ द बटरफ्लाई द क्लस्टर वॉज डिस्कवर्ड बाय द इटालियन एस्ट्रोनॉमर बैटिस्टा होडेरिना। ओके, इन 1654 चार्ल्स मेसियर ने इसको इंक्लूड किया 1764 में अपने कैटलॉग में, दैट इज मेसियर ऑफ द 6 नंबर। इट हैज गॉट अपरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ 4.2, अप्रोक्सीमेटली 1600 लाइट ईयर दूरी पे है हमसे। ये M4 देखा, M6 देखा, अभी हम जाएंगे टॉलेमी क्लस्टर M7। ये है भाई साहब टॉलेमी जी ने जोड़ा हुआ क्लस्टर। आप यहाँ देख सकते हो कि सचमुच तारों का एक जमावड़ा है, ये ओपन क्लस्टर। इसी तरीके से आपको प्लीट्स वीट्स भी दिखते हैं, वो सब ओपन क्लस्टर है। ये स्कॉर्पियन के स्टिंगर के आसपास है, मतलब शोला और लेसी के आसपास। मैग्नीट्यूड काफी अच्छा है, 3.3, इजीली विजिबल टू अनएडेड आइज। टॉलेमी क्लस्टर, इट वॉज अ ग्रीक एस्ट्रोनॉमर टॉलेमी, जिसने 130 AD, मतलब पीरियड का कैलकुलेशन जीरो से, मतलब आज से तकरीबन हम बोल सकते हैं कि 1910 साल पहले ये डिस्कवर किया गया टॉलेमी की तरफ से। टॉलेमी क्लस्टर कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 80 ब्राइट स्टार्स, व्हिच हैज गॉट विजुअल मैग्नीट्यूड ब्राइटेस्ट का 5.6 है। M7 इज अप्रोक्सीमेटली 980 लाइट ईयर्स फ्रॉम अस, 25 लाइट ईयर इसका डायमीटर है। एज इज अप्रोक्सीमेटली 200 मिलियन ईयर्स, मतलब 20 करोड़ साल। आगे मेसियर ऑब्जेक्ट 80 दिखेगा, जो काफी ब्यूटीफुल है। ये जो मेसियर ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो, ये बेसिकली ग्लोबुलर क्लस्टर है, चार्ल्स मेसियर ने 1781 में ढूंढा था। 3600 लाइट ईयर्स, 3600 साढ़े 32,600 लाइट ईयर्स की दूरी पे है हमसे।
मैग्नीट्यूड तकरीबन 7.87 है, डायमीटर इसका 95 लाइट ईयर्स के आसपास है। अभी देखेंगे कैट्स पॉम मून। ये देख, ये जो बिल्ली का पाँव होता है ना उसकी तरह दिख रहा है, तो भाई उसके पंजे की तरह दिखने वाला, किसी को इसमें अश्वल यानी बियर का भी पंजा दिख सकता है। तो भाई जो भी है दोनों नाम है, ये जो है ये इमिशन निबुला है, मतलब यहाँ से गैसेज जो इमिट होती है उनसे अपने को ये स्टार फॉर्मिंग रीजन दिखता है। ये बहुत ही एक्टिव स्टेलर नर्सरी, स्टेलर नर्सरी मतलब तारों का जन्म होने वाली जगह। ये मोस्ट मासिव नोन इन द मिल्की वे है स्टार्स का, इधर का जमावड़ा बिलीव टू कंटेन 10,000 ऑफ द स्टार्स, डिस्कवर्ड बाय द जॉन हर्शेल इन 1837। आप बोलोगे मैं इस तरीके से लिस्टिंग क्यों बताते जा रहा हूँ, मेरा तबीयत ठीक नहीं तो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बट मैं फिर भी बता देता हूँ क्योंकि मैंने कमिट किया था कि आज का लेक्चर होगा, नेक्स्ट वीक होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो ये है बटरफ्लाई नेबुला। पिछला हमने देखा था बटरफ्लाई क्लस्टर, ये भी कुछ इंटरेस्टिंग बटरफ्लाई की तरह दो विंग्स के साथ चल रहा है। इसके बारे में ये है कि ये बाइपोलर मतलब दो पोल्स है, ऐसे टाइप का प्लेनेटरी नेबुला है। अपरेंट मैग्नीट्यूड 7.1 है, मतलब एवरेज टेलीस्कोप से देखा जा सकता है। इसके सेंटर्स में एक वाइट ड्वार्फ है, सरफेस टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 2 लाख केल्विन, विच मेक्स इट द हॉटेस्ट स्टार इन द गैलेक्सी। इट हैज अबाउट 0.64 सोलार मास। वाइट ड्वार्फ आप समझते हो, सूरज जब मर जाएगा तो सब वो उसके आसपास का जो हॉट गैसेस और सब कुछ छोड़ देगा, और सॉलिड कोर जो उसका बचेगा दैट विल बी, शुरुआत के दौर में जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहेगा तो व्हाइट दिखेगा, एंड दैट विल बी कॉल्ड व्हाइट ड्वार्फ सन ऑफ द सन। लास्ट ऑब्जेक्ट है ये वार एंड पीस नेबुला बोला जाता है। ऑब्वियसली ये डिफ्यूज नेबुला है एक स्कॉर्पियो में, इट कंटेन्स मेनी प्रो स्टार्स। नेम वार एंड पीस इसलिए बोला जाता है कि ये सब इसको ऑप्टिकल टेलीस्कोप से या इंफ्रारेड टेलीस्कोप से देखते हैं तो अलग अलग पैटर्न दिखते हैं। इन इंफ्रारेड द नेबुलाज वेस्टर्न पार्ट रिसेम्बल्स अ डॉग, डॉग मतलब ये कबूतर, व्हाइल द ईस्टर्न पार्ट रिसेम्बल्स अ स्कल। तो नेबुला कंटेन्स पिसमिस नाम के कुछ स्पेशल टाइप के ओपन क्लस्टर है, वो 24 है, उसमें काफी मासिव स्टार है, और इसमें जो कॉन्ट्रास्ट है स्कल भी दिखता है और कबूतर भी दिखता है, तो उसके चलते उसको वॉर एंड पीस मतलब शांति का प्रतीक हो गया डॉ यानी कबूतर, और वॉर का प्रतीक जिसके बाद सिर्फ स्कल सी बचते हैं ऐसा दूसरा रीजन, तो इसकी वजह से इसको वॉर एंड पीस नेबुला बोला जाता है। आज के लिए बहुत कुछ था, अंक नहीं देखना था, फिर जेम्स वेब या एटलीस्ट सोलार पार्कर को पार्कर सोलार प्रोब के बारे में बोलना था, बट ऑलरेडी वी आर जस्ट 5 मिनट्स टू क्लोज, तो आप मैं यही रोक देता हूँ इस प्रेजेंटेशन को, और आपको कुछ सवाल है तो वो पूछ लेता हूँ। ओके चैट बॉक्स में जा रहा हूँ, किसी प्रकार कोई सवाल है तो पूछ। आज के दिन आपको बहुत ही बढ़िया से ओरायन कॉन्स्टिलेशन आपके ईस्ट में दिख रहा होगा, सो यू आर एब्सोल्युटली राइट। कौन बोला ये कि सर कैन वी प्लीज टेक येलो हाइलाइटर एज इट इज लिटिल डिफिकल्ट टू गेट इट, तो मैं इमीडिएटली किया भी शायद 26 में, आपका मैंने देखा भी नहीं था मैसेज, फिर भी मैं आपके मन की बात पढ़ ली इसे। फिर सर हमारे यहाँ से ओरायन दिखता है, यस शिंदे जी आपके यहाँ से ओरायन दिख रहा होगा, सबके यहाँ से दिख रहा होगा, बट आप थोड़े कम पोल्यूटेड एरिया में रहते हो तो आपके यहाँ से बहुत ही अच्छा दिख रहा होगा। वॉट इज लाइट ईयर, लाइट ईयर क्या है एंजल, लाइट जितना एक साल में ट्रेवल करेगी उतना अंतर यानी डिस्टेंस, जैसे लाइट एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाती है अप्रोक्सीमेटली, वैक्यूम का स्पीड है, तो 3 लाख एक सेकंड में, ऐसे एक सेकंड कितने रहते हैं साल में, एक सेकंड रहते हैं एक घंटे में 60, ओके सॉरी एक मिनट में 60, ऐसे 60 मिनट एक घंटे में, ऐसे 24 घंटे एक दिन में, ऐसे 365 डेज एक साल में। तो उल्टा कैलकुलेशन करेंगे अंतर डिस्टेंस के लिए एक लाइट ईयर के लिए, तो कैसे आएगा, लाइट का स्पीड 3 लाख इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू बस खत्म हो गया लाइट ईयर के, 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 3 लाख, ये जो आएगा वो एक लाइट ईयर का डिस्टेंस होगा किसमें, किलोमीटर्स। ओके
फिर आपको उसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो फिर आपको उसको फिर से हजार से ओके। सर आई सॉ बिग डिपर यस्टरडे। बिग डिपर देखने के लिए आपको थोड़ा लेट तक जगना पड़ेगा ओके, पर फिर भी आपने देखा, बहुत अच्छी बात है। हाउ वाज द स्टार गेजिंग सेशन, इसको बोलते हैं जले पे नमक छिड़क। स्टार गेजिंग सेशन हुआ ही नहीं इसे, क्योंकि कोई आया ही नहीं, सब लोग ओमिक्रॉन से भी डर गए और बहुत सारे लोगों को घर से निकलना ही नहीं ओके। तो भाई मैंने अकेले ने देखा रहा, तो अकेले ने देखने के लिए स्टार गेजिंग सेशन की जरूरत नहीं है, तो ये इंडिविजुअल स्टार गेजिंग हो। बाकी लोग आए नहीं तो अभी तो उनका इंतजार है, जब आएंगे तब हम सब साथ मिलके कोरोना के पीरियड के बाद करें। तो अभी क्वेश्चन भी खत्म हो गए लगता है ऑलमोस्ट, तो टाटा बाय बाय आज के लिए, गुड नाइट। अगले हफ्ते मिल पाएंगे तो ठीक, नहीं तो एक दो हफ्ते बाद फिर से लेक्चर होगा। माई कमिटमेंट इज नंबर ऑफ लेक्चर्स और सेशंस, नॉट व्हेन इट विल बी टेकन ओके। वैसे भी आपको आपके साथ वीडियो शेयर किया जाता है तो उसको आप देख सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। यू कैन प्लीज लीव द क्लास, यस यस प्लीज लीव द क्लास। थैंक यू सर विकले जी, थैंक यू, बाय बाय। Bye bye bye, please.